लोग गृह युद्ध चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू मुस्लिम लड़ाकर, चाइना 1000 किलोमीटर हमारे अंदर घुस कर बैठा हुआ, उसके बाद ये लोग ऐसे भाषण देने का क्या मतलब है? देखो लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उनको मारने काटने की धमकी दी जा रही है। ना सेकुलर लीडर कुछ बोल रहे हैं, ना ही जो मुस्लिम मौलाना लोग हैं जो वोट की तो वोट का तो ठेका लेते हैं कि हम वोट दे जाएंगे आपको इस पार्टी को, सेकुलर इस पार्टी को, ना वो बोलने के लिए आए, लेकिन खुलेआम मुसलमानों को धमकी देने की बात की जा रही है। कहिए ना इसराइल, कहिए ना इसराइल जो फलस्तीन में मुसलमानों को कत्लेआम कर रहा है, उसको क्यों नहीं कहते आप लोग? सारे सेकुलर इतने इनोसेंट लोग होते हैं यार, इतने सेकुलर लोग हैं, सारे यही कहते हैं हमारे बहुत मुसलमान दोस्त हैं, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है उनको धमकी मिलती है तो कोई हिंदू सेकुलर लोग बोलते नहीं है। हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। कभी मुसलमानों को गोली मारो सालों कहा जाता है, तो कभी ये कहा जाता है कि घर में चाकू तेज रखिए, जिसकी वजह से मुसलमानों का कत्लेआम की धमकी दी जाती है साध्वी प्रज्ञा की तरफ से। पूरे देश में नफरत का माहौल है और बीजेपी के सांसद फैला रहे हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार मुसलमानों को धमकी दी जाती है, कभी कहा जाता है कि उनको मारो सालों को गोली मारो, कभी उन चाकू तेज़ कर देने की बात कर दी जाती है, क्या सांप्रदायिक का माहौल अपने गृह युद्ध चाहते हैं ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले? ये आप बिल्कुल आपने सही कोट किया बेसिकली, कि जब देश के अंदर इतनी नफरत और ज्ञानता जब फैलेगी, जब लोगों से लड़ाया जाएगा इस वजह से, क्योंकि उनको वोट पोलराइज करना है, हिंदू वोट पोलराइज करना है, ये जो तमाम जो नैरेटिव है, जो रॉन्ग नैरेटिव जनता के सामने परोसा जा रहा है कि देशभक्ति का और धर्म का, उसकी आड़ में धर्म के नाम पर लड़ाएंगे या जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको देशद्रोही ठहराएंगे, तो ये पूरा जो नैरेटिव है कि कोई भी बोलेगा वो देशद्रोही है, एंटी सोशल है, एंटी नेशनल है, और जो धर्म के ऊपर बोलेगा उसको एकदम से पोलराइज कर देंगे कि हिंदू वोट चाहिए उनको, 82% करीब हिंदू वोट है। क्या इस तरीके के बयान से उनको जेल होना चाहिए कि नहीं, माफी मांगना चाहिए कि नहीं? माफी से तो काम कहां चलेगा, जो देश में लड़ाई करवाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, लोगों से लड़ाई करवा के वोट बैंक की राजनीति, ऐसे भ्रष्ट और गंदे और बहुरूपिया नेता लोग किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, अगर वो ऐसी गेम खेल रहे हैं तो उनके लिए ऐसे कानून बनने चाहिए कि उनको जेल होनी चाहिए, एंटी ब्लास्फेमी लॉ बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बनाएंगे हम। कभी सत्ता में आए तो हम एंटी ब्लास्फेमी लॉ लाएंगे जिससे कि कोई भी किसी धर्म के खिलाफ एक भी आवाज़ ना उठा पाए और शांति से रहें लोग। और इसमें हाँ जी पूछ, क्या ये लोग गृह युद्ध चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू मुस्लिम लड़ाकर, चाइना 1000 किलोमीटर हमारे अंदर घुस कर बैठा हुआ है, उसके बाद ये लोग ऐसे भाषण देने का क्या मतलब है? देखिए चाइना की जहाँ तक बात करते हैं, ये सही तथ्य है ना किसी के पास भी नहीं है, मैं बताता हूँ सत्य है क्या। सत्य क्या है कि जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि दो, राहुल गांधी ने मुझे प्रज्ञा ठाकुर पर बात करी है मुझे, सर जो हमने पीटीसी दिया है, जो हमने पीटीसी दिया है उस पर आप बोलिए, क्या मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है? कब तक इस तरह के भाषण देते रहें, कभी मुसलमानों को गोली मारे, ये हिंदू, ये सेकुलर हिंदू कहाँ है जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं? ये गंदी राजनीति का एक एग्जांपल है कि अगर लोग किसी धर्म पे, दूसरे धर्म को या दूसरी जात को अगर आपस में जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाई करवाते हैं और वोट लेने के लिए सिर्फ, ये बहुत ही गंदी राजनीति का एक एग्जाम्पल है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग हमारे देश के वासी हैं और इनकी रक्षा कौन करेगा? जब देश के लीडरशिप ही नहीं करेंगे, देश के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। 1000 मुसलमानों ने कुर्बानी दे दी है इस देश के लिए। बिल्कुल हमारे देश में सभी अशफाकुल्ला खान साहब और इतने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने सबने कुर्बानियां दी हैं। आप एक मिनट में कैसे खारिज कर सकते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया? जो लोग माफी मांगे थे, जो लोग ये कहते हैं कि इनका कोई योगदान नहीं है, मुझे ये बताइए कि जनसंघ का क्या योगदान है भारत की स्वतंत्रता के लिए, मुझे ये बताइए ना। तो जब उनके जो आज राज कर रहे हैं लोग बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी का, इनका तो कोई लेना देना नहीं है देश की राजनीति से, और स्वतंत्रता संग्राम से इन्होंने कोई आजादी के लिए कोई बलिदान ही नहीं दिया। कांग्रेस ने दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलत बनी, वो कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस में भी फर्क है, उन्होंने भी बुनाया है इसको, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में बहुत ही गंदी राजनीति करी जा रही है, लोगों को आपस में भिड़ाया जा रहा है। खड़े रहो, बारिश होने दो। देखो लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उनको मारने काटने की धमकी दी जा रही है। ना सेकुलर लीडर कुछ बोल रहे हैं, ना ही जो मुस्लिम मौलाना लोग हैं जो वोट की तो वोट का तो ठेका लेते हैं कि हम वोट दे जाएंगे आपको इस पार्टी को, सेकुलर इस पार्टी को, ना वो बोलने के लिए आए, लेकिन खुलेआम मुसलमानों को धमकी देने की बात की जा रही है। किस तरीके से पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल बीजेपी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वालों ने बनाया है। भगवे के जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने कुर्बानी इस देश के लिए दी है, जो आरएसएस वाले हैं इनकी कुर्बानी नहीं, इन्होंने गद्दारी की थी, उसके बावजूद आज ये सत्ता में बैठे हुए हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए किसी भी धर्म के खिलाफ में हिंसा पैदा करना या अलगाव पैदा करना ये बहुत ही गलत है। ये बहुत अलगाववाद की जो नीति है इसी को तो टेररिस्ट बोलते हैं। इनके खिलाफ में कोई कानून बनना चाहिए जिससे कि कोई भी बंदा ऐसी हेट स्पीच ना दे, नफरत ना फैलाए देश के अंदर। इनके खिलाफ कानून बनना चाहिए, ये लोग नहीं बनाएंगे। ना तो कांग्रेस बनाएगी, ना बीजेपी बनाएगी, ना आम आदमी पार्टी बनाएगी, क्योंकि इनसे वोट बैंक चला जाएगा मुस्लिम का या हिंदुओं का। तो ये वोट बैंक की जब तक राजनीति होती रहेगी ये लोग कोई भी ऐसे कानून नहीं बनाएंगे जो कि देश में शांति और अमल रहे। वो हम बनाएंगे। हमारी पार्टी जनतंत्र अलायंस ऑफ इंडिया कभी पावर में आई, जय जय हिंद, जय जवान, जय किसान। अगर ये पार्टी आई कभी भी हम एंटी ब्लास्फेमी लॉ लाएंगे, ऐसे कानून बनाएंगे कि कोई भी किसी धर्म के खिलाफ एक आवाज़ भी, चाहे अल्लाह हो, खुदा हो, भगवान हो, कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा। शांति से रहना है तो रहिए, वरना चलिए यहाँ से। इस देश में सब शांति से रहिए, कहीं भी जाइए, हमारे देश को छोड़ दीजिए, चाहे कोई भी धर्म के हो आप। अगर किसी भी धर्म का, मैं धमकी दे रहा हूँ, इस देश के अंदर शांति चाहता हूँ मैं देश में शांति चाहता हूँ। हमें सारे के सारे लोग, सभी धर्म के लोग हम भाई हैं और ये शांति रहनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। अरे तो क्रिमिनल के खिलाफ तो धमकी चलेगी भैया? कोई हमारे देश में लड़ाई करवाएगा? हिंदू मुस्लिम बोल बोल के मरवाएगा एक दूसरे को? अच्छा, नफरत फैलाएगा? अच्छा, क्या मुस्लिम मुसलमान इंसान नहीं होते? मेरे इतने दोस्त हैं मुसलमान, मेरे इतने दोस्त हैं बचपन से, मुझे इतने इनोसेंट, सारे सेकुलर, इतने इनोसेंट लोग होते हैं यार, इतने सेकुलर लोग हैं, सारे यही कहते हैं हमारे बहुत मुसलमान दोस्त हैं। लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है, उनको धमकी मिलती है, तो कोई हिंदू सेकुलर लोग बोलते नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये पहला बंदा है। अभी तक जो था वो छोटे मुसलमानों को, जो गरीब तबके मुसलमान थे, उन्हीं को धमकी मिल रही थी। अब जो बड़े हाई लेवल के मुसलमान हैं, हायर एजुकेशन, चाहे शाहरुख खान हो या असदुद्दीन ओवैसी हैं, इस जैसे लोग हैं जो मुसलमानों की लीडरशिप करते हैं हकीकत में, उनको भी धमकियां मिल रही हैं। भगवा के जरिए शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है, इसको कैसे देखेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे अपने कट्टर हिंदुओं से? देखिए आप कट्टर देश को नफरत फैला रहे हैं। कट्टरवादिता किसी भी रूप से क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, किसी ग्रुप के क्यों ना हो, हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। भारत एक शांतिप्रिय देश है, इसमें सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी कम्युनिटी का सम्मान होना चाहिए, सभी पॉइंट ऑफ व्यू का सम्मान होना चाहिए। कहीं कट्टरवादिता के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। कोई तालिबान नहीं है या अफगानिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान देश के लिए लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान, तालिबान अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, ये हम नहीं कह सकते वो किस लिए लड़ रहे हैं। कहिए ना इसराइल, कहिए ना इसराइल जो फलस्तीन में मुसलमानों को कत्लेआम कर रहा है, उसको क्यों नहीं कहते आप लोग? देखिए वो गलत है, किसी भी जगह किसी भी इंसान का कत्लेआम करते हैं वो गलत है। सेकुलर लोग, आप सेकुलर लोग मुसलमानों का जब कोई बड़ा मसला आएगा तभी बोलेंगे। अभी इतना अपमान हो रहा है, कत्लेआम की धमकी दी जा रही है, कितने सेकुलर लोग बोले, कितने लीडर बोले हैं? कोई नहीं बोला है। देखिए भैया, हम अपने हिंदुस्तान की गारंटी लेते हैं, पूरे विश्व के लिए हम कमेंट नहीं कर सकते कि वहां पर राजनीति क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। अपने देश के सारी बातों को अगर सोच के हम बोले तो हम अपने देश की बात करते हैं। हमारा देश पहले जरूरी, हमारे देश में शांति रहेगी तो विदेशों से हम बाद में निपट लेंगे। हम पूरे इस तरह के बयानों के जरिए शांति रहेगी इस देश में? बिल्कुल नहीं रह सकती। ऐसे बयानबाजी, गंदे बयानबाजी करने से माहौल बिगड़ता है, और ऐसे लोगों के खिलाफ ऑलरेडी कानून बना हुआ है, और भी सख्त कानून बनाने की जरूरत है, वो हम बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।